किसने दिया था अर्जुन को गांडीव धनुष? दोस्तों, अर्जुन के प्रसिद्ध धनुष गांडीव के विषय में तो आप जानते ही होंगे। गांडीव अर्जुन को बहुत ही प्रिय था। ये धनुष जिसके पास भी रहता उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। इस धनुष को कोई भी शस्त्र या अस्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। गांडीव के साथ अक्षय तरकश उसे और भी शक्तिशाली बनाता था। अक्षय तरकश से कभी भी बाण खत्म नहीं होते थे। पहले ये धनुष वरुण देव के पास था, लेकिन ये अर्जुन के पास क्यों और कैसे आया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। एक समय की बात है, श्वेतकी नाम के एक राजा ने ऋषि दुर्वासा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया। ये यज्ञ अनेकों वर्षों तक चला, जिस कारण अग्निदेव को घी की बहुत अधिक मात्रा में आहुति दी गई। इतना अधिक घी को पचाने के कारण अग्निदेव की पाचन शक्ति क्षीण हो गई। अग्नि का रंग भी फीका हो गया था। अपनी इस समस्या को लेकर अग्निदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित खांडव वन को जलाने का उपाय सुझाया। तब अग्निदेव ने पृथ्वी पर आकर वन को जलाने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। जैसे ही अग्निदेव ने वन को जलाया, इंद्रदेव ने वर्षा करके अग्नि को बुझा दिया, क्योंकि खांडव वन में इंद्र के मित्र नागराज तक्षक वास करते थे। अग्निदेव के पुनः प्रयास करने पर इंद्र ने फिर से अग्नि को बुझा दिया। इस प्रकार अग्निदेव के अनेकों प्रयास करने पर भी इंद्रदेव उन्हें सफल नहीं होने देते। अंत में अग्निदेव फिर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी विपदा बताई। तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को भगवान कृष्ण और अर्जुन से सहायता लेने के लिए कहा। अग्निदेव अर्जुन और कृष्ण के पास एक ब्राह्मण के रूप में पहुंचे और अपनी सहायता के लिए पहले ही वचन ले लिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना नदी में विहार कर रहे थे। वचन लेने के बाद अग्निदेव ने अपना असली रूप दिखाया और खांडव वन को जलाने के लिए सहायता मांगी। तब अर्जुन ने कहा कि अभी हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसलिए हम इंद्रदेव को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। तब अग्निदेव ने वरुण देव को याद किया, तभी वरुण देव प्रकट हुए। वरुण देव को राजा सोम से गांडीव धनुष और अक्षय तरकश प्राप्त हुआ था। अग्निदेव ने ये दोनों ही शस्त्र अर्जुन को देने के लिए कहा। वरुण देव ने ऐसा ही किया। इसके साथ अर्जुन को एक दिव्य रथ भी प्राप्त हुआ, जिसमें मन की गति से चलने वाले घोड़े थे। अर्जुन के अतिरिक्त श्री कृष्ण को एक चक्र और गदा प्राप्त हुई। तब एक युद्ध के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव को रोका गया और अग्निदेव ने खांडव वन को जला दिया। तो दोस्तों, इसी प्रकार अर्जुन को ऐसा महाशक्तिशाली धनुष प्राप्त हुआ था। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल समय चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।